तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था अबाउट इट्स फर्स्ट मॉडिफिकेशन, दैट इज़ मैकेनिकल सपोर्ट। तो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी मॉडिफिकेशंस, जैसे स्टोरेज एंड सम अदर स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, इस लेक्चर में हम स्टोरेज पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरेज फंक्शंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस रूट्स। पहले हम डिस्कस करते हैं वो रूट्स जो ट्यूबरस होती हैं, जो ट्यूबरस शेप में होती हैं। तो ये रूट्स बेसिकली क्या होती हैं, ये इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, दीज आर इरेगुलर इन शेप। So this is the example of sweet potato। इसके एक एंड से शूट अराइज हो रहा है, एक एंड से रूट अराइज हो रहा है। तो ये जो ये ट्यूबरस रूट है, ये अराइज होते हैं फ्रॉम द क्रीपिंग स्टेम। तो ये सिंगली अराइज होते हैं, कोई क्लस्टर में या ग्रुप में नहीं, सिंगल अराइज होते हैं फ्रॉम द क्रीपिंग स्टेम अंडरग्राउंड। सो ये स्वीट पटाटो को शकरकंद भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट एंड ipomeaa batatus। ऐसे ये पटाटो जो दिखता है लेकिन अंदर से बहुत मीठा होता है, इट इज़ स्वीट, शकरकंद कहते हैं इसको। हो गया ट्यूबरस। नंबर सेकेंड इज फैसिकुलेटेड रूट्स। सो दीज रूट्स अराइज इन ग्रुप्स एंड दीज रूट्स हैव डेफिनेट शेप्स। एक तो जितनी भी ये रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इनकी सबकी तकरीबन एक जैसा शेप है सबका। और दूसरा इसमें ये है कि ये क्लस्टर में होती हैं, ग्रुप्स में होती हैं। सो ट्यूबरस और फैसिलेटेड में ईजिली आपको डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा कि क्या फ़र्क है। सो फैसिकुलेटेड में आपको ये इमेज याद रखनी दिमाग में, जब भी आपको फैसिकुलेटेड तो आपको ये वाली इमेज दिमाग में आनी चाहिए। सो दीज रूट्स आर फाउंड इन दहलिया एस्पैरागस। हो गई दो, हो गई ट्यूबरस जो सिंगल है एंड फैसिकुलेटेड जो ग्रुप्स में है, क्लस्टर में है, एंड दीज हैव डेफिनेट शेप। नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे मोनोलीफॉर्म। मोनोलीफॉर्म का मीनिंग होता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स मीन्स कि मोती की माला। तो ये जो रूट्स हैं ये भी मोती की माला जैसे दिखते हैं, तो ये जो बीड्स हैं ये आपको इंटरवल्स पे नज़र आ रहे हैं और ये भी एक क्लस्टर जैसा बता रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिकली ये शेप दिमाग में याद रखनी है, तो आप इस पर कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंस में है कि थोड़ा एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सो दिस इज़ द शेप ऑफ मोनोलीफॉर्म। दीज आर द बीड्स जो कि इंटरवल्स में अराइज हो रहे हैं। एंड दीज इस तरह के रूट्स किस में होते हैं, ग्रासेस में होते हैं, और इसमें होता है मिमोर्डिका में, बिटर गॉर्ड में होता है, करेले में उनके रूट्स में इस तरह के मॉडिफिकेशंस होती हैं इस तरह का, और फूड में स्टोर होता है। हो गया तीन, अब है फोर्थ वन एन्यूलेटेड। इसमें क्या होता है, इसका आप पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये स्टेम के नोड से अराइज हुआ और इस तरह से ये डिस्क्स होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस हैं। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्लेस हैं और इस तरह की शेप बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एन्यूलेटेड एंड दिस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन ipecac। तो ये प्लांट बेसिकली, इस प्लांट से ड्रग भी यील्ड होता है। सो दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट ipecac। तो एन्यूलेटेड में इस तरह से ही होता है। तो फिफ्थ हम पढ़ेंगे नोड्यूलर। नोड्यूलर में क्या होता है कि जो ये यहाँ से पहले तो एडवेंटिशियस रूट है, दिस विल अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम एंड जो इसके टिप पे है इस तरह की स्वेलिंग होगी, इस तरह से नोड्स बनेंगे एट द टिप, लेकिन सिंगल होंगी ये नोड्स, तो इस तरह का शेप बनेगा। सो दिस इज नोड्यूलर। दिस टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन मैंगो, इन जिंजर, अदरक में एंड टर्मरिक। तो जिंजर टर्मरिक इनका आप सर्च करना इमेज किस तरह के ये रूट्स हैं। तो ये जो हमने सब अभी पांचों पढ़ी, पहली हमने पढ़ी ट्यूबरस, नंबर सेकंड फैसिकुलेटेड, नंबर थर्ड मोनोलीफॉर्म, नंबर फोर्थ एन्यूलेटेड, नंबर फिफ्थ दिस नोड्यूलर। अब इनको याद करना थोड़ा टफ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो पहला जो सबका जो पहला कैपिटल लेटर है, पहला लेटर है वो आपको लिखना है, पहला ट्यूबरस का टी एफ
मोनोलिफॉर्म का एम, एनलेटेड का ए, एन फॉर नॉडलर. तो इसकी ट्रिक है टफ मैन. टफ आपको वो नहीं याद रखना, टी ओ जी, ये वाला टफ याद नहीं रखना है आपको, सिंपली टफ याद रखना है. टी एफ, टी एफ फॉर टफ, मैन मीन्स मैन, ठीक है, टफ मैन. तो ये इस तरह से आपको ये रूट जो है याद रहेंगी. ओके, टी एफ फॉर टफ, एम ए मैन. तो टी से ट्यूबरस, एफ से फैसिकुलेटेड, एम से मोनोलिफॉर्म, ए से एनिडेटेड, एन से नोडुलर. और दिमाग में आपको इसकी ये इसकी डायग्राम भी याद रखनी है कि टी पहला इस तरह से ट्यूबरस है, दूसरे में क्लस्टर है, तीसरे में स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हैं, फोर्थ में डिस्क हैं, और फिफ्थ में टिप पे स्वेलिंग है. सो ये थी ट्रिक. हमारा स्टोरेज का जो था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरा जो मॉडिफिकेशन था हमारा, वो था स्पेशल फंक्शंस. इसमें हम पहल पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन में असिमिलेटरी रूट्स. ये रूट्स क्या होती हैं? दीज आर फोटोसिंथेटिक असिमिलेटरी रूट्स. दीज आर फोटोसिंथेटिक, तो इसका मतलब है दीज मस्ट बी ग्रीन इन कलर, दीज मस्ट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. बट ये ऐसे रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं ये रूट्स. दीज आर एडवेंटिशियस, तो ये कहीं से भी अराइज होंगी अदर देन रेडिकल. सो दीज आर ग्रीन क्लोरोप्लास्ट. और ये जो अपना सरफेस एरिया है उसको भी इंक्रीज करती हैं ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो. तो एक एग्जांपल हम लेंगे ट्रापा की. ट्रापा को सिंघाड़ा भी कहते हैं और इसकी सब्जी भी खाते हैं. सो जो ये अंडरग्राउंड, ये एक्वाटिक प्लांट है. तो ये जो अंडरग्राउंड है ये रूट नहीं है, ये स्टेम है. सो दिस इज द अपर पार्ट अबव द वाटर वाटर लेवल. सो दिस इज द अपर पार्ट. और ये जो जो नीचे वाला पार्ट है दिस सिस्टम, यहाँ से अराइज होते हैं रूट्स. दीज रूट्स आर असिमिलेटरी, दीज रूट्स आर ग्रीन, दीज रूट्स आर फोटोसिंथेटिक, एंड दिस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस देखो किस तरह से इन्होंने अपना सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज किया हुआ है. तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं. ट्रापा, इट इज कॉमनली नोन एज सिंगाड़ा. ओके, तो एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसमें, नंबर सेकंड असिमिलेटरी में, दैट इज ऑफ टाइनोस्पोरा. टाइनोस्पोरा में भी हम देखते हैं असिमिलेटरी. दिस इज ये जो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक रूट है, ये जो है एक्चुअली जो टाइनोस्पोरा, इट इज अ क्लाइंबर. ये किसी सपोर्ट या किसी स्टेम के अराउंड जो है ऐसे ग्रो करता है. तो दिस इज ग्रीन एंड दिस रूट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये लीव्स हैं इसके, टाइनोस्पोरा के ब्रॉड लीव्स. ओके, नाउ सेकंड हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शंस में माइकोरिजा. व्हाट इज माइकोरिजा? इट इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड हायर रूट्स. सो व्हाट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन? सिम्बियोटिक एसोसिएशन या सिम्बियोसिस बेसिकली क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हों, चाहे नो मैटर उनका दोनों का क्या साइज होगा, या मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रोइज़ा इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. तो प्लांट्स में जैसे पाइनस, ओक, विलो, ये सब आते हैं. तो ये क्या काम करते हैं फंगस? ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन अपटेक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम होती है प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को जैसे पाइनस, ओक्स वगैरह, इनको प्रॉब्लम होती है ये अपटेक करने में. तो ये इनको हेल्प करती है न्यूट्रिएंट अपटेक में. तो इन रिटर्न जो है प्लांट क्या करते हैं, वो जो हायर प्लांट्स है वो इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फंगस को. सो दिस इज़ द माइकोरिजल रूट्स. दिस आर द माइक्रोजल रूट्स. ये जो वाइट कलर का जो ये दिख रहा है आपको माइसिलियम, इनको, तो दिस इज फंगस. तो किस तरह से इसने कवर किया हुआ है इस रूट्स को. तो दिस इज द माइक्रोजल. सी दिस वाइट पोर्शन, दिस इज फंगस. दिस फंगस हेल्प इन न्यूट्रिशन अपटेक. Example in pinus, oak, willow. So इस topic में हमने ये सब special storage का complete किया, और special functions में
ये कवर के. तो नेक्स्ट में भी हम कुछ मॉडिफिकेशंस और पढ़ेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.